It's Pakistan versus India. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप और जो सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है एशिया कप में, इंडिया पाकिस्तान 28 तारीख को दुबई में। इस वीडियो में मैं और अरुण आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी लाइनअप्स इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि हमारे हिसाब से मैच खेलेंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने जो इंडिया पाकिस्तान की लाइनअप्स बनाई हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। दोनों टीम्स के की प्लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए की प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर, स्पेशली टॉप ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी, जो कि पिछले एक डेढ़ साल से परफॉर्म करती आ रही है T20 में। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और आई होप सो कि इस एशिया कप में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बहुत ज़रूरत है हमें उनके अच्छे परफॉर्मेंस की, क्योंकि आप पहले बैटिंग करो या बाद में बैटिंग करो, दुबई में मैच है और इंडिया की बॉलिंग जिस तरह उन्होंने स्पिनर्स ज़्यादा खिलाए हैं, स्क्वाड में ज़्यादा स्पिनर्स हैं और आई श्योर वो 2 से 3 स्पिनर्स खिलाएंगे। हो सकता है कि वो पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले में स्पिन के साथ जाएं, या हो सकता है वो फास्ट बॉलर से अटैक करें, लेकिन जो भी हो आपकी पहली बैटिंग हो या आप रन चेस कर रहे हो, पहले 6 ओवर्स पावर प्ले आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, विकेट्स इन हैंड भी होनी चाहिए और रन भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पे। और बाबर रिजवान के बाद फ़खर भी की प्लेयर है, वो इसलिए कि अगर इन दोनों में से कोई जल्दी आउट हो जाता है और उसकी 6 ओवर्स के अंदर पावर प्ले के अंदर बैटिंग आ जाती है, तो उसको ये देखना है कि 4-5 ओवर से लेकर 14-15 ओवर तक उसने बैटिंग नब भी करनी है, विकेट भी बचानी है, अटैक भी करना है, बड़ी शॉट्स भी खेलनी है और रन को आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं कि वो जल्दी आउट हो जाए, अगर उसकी जल्दी बैटिंग आ जाए आउट भी जल्दी हो जाए तो फ़खर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये टॉप 3 मेरे लिए की प्लेयर्स हैं। उसके बाद आसिफ अली भी की प्लेयर हो सकता है, मेरे लिए तो है क्योंकि उनकी हाई रेटिंग हम सब ने देखी हुई है पिछले साल UAE में ही, लेकिन वजह यह है कि उसकी बैटिंग 15वें से 16वें 17वें डेथ ओवर्स में आए ताकि वो एक्सप्लोसिव शॉट्स खेल सके, और ऐसा ना हो कि उसकी पहले बैटिंग आ जाए 10-15 ओवर भरे हों और उसकी बैटिंग आ जाए तो फिर वो क्या खेलेगा, क्योंकि 90 ओवर्स की क्रिकेट में अभी भी वो नहीं है कि ज़्यादा ओवर्स खेले। तो मेरे हिसाब से उसको डेथ ओवर्स में ही रखना चाहिए और उसकी बैटिंग कम से कम ओवर्स के लिए आनी चाहिए, चाहे आप रन चेस कर रहे हो या पहले बैटिंग कर। उसके बाद एक और की प्लेयर मेरे लिए मोहम्मद हसनैन, जिस तरह उसकी वापसी हुई है शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट, ऑब्वियसली प्रेशर होगा उस पर, लेकिन अच्छा बॉलर है और स्पीड है और इसीलिए उसको रखा है क्योंकि शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट यही बनता था स्पीड के हिसाब से। आप इंडिया को डोमिनेट UAE में फास्ट बॉलर से ही कर सकते हो और आई एम श्योर कि अली ऑन विकेट्स लेने पर जाएगा पाकिस्तान और मोहम्मद हसनैन विकेट्स दिलवा सकता है अगर वो सही से बॉलिंग करें। इंडिया की बात करूँ तो ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर इंडिया का भी बहुत हैवी है, रोहित शर्मा, के राहुल, देन विराट कोहली। रोहित ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर, कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी करेगा वो और उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, और अगर अली ऑन 2-3 ओवर वो खेल गया विकेट नहीं मिली पाकिस्तान को तो फिर ही अनस्टॉपेबल, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रोहित को रोकना पड़ेगा पाकिस्तान को, लेकिन अगर नहीं हुआ तो रोहित इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके साथ KL राहुल भी अच्छी बैटिंग करता है और इनको भी चाहिए कि वो पावर प्ले यूटिलाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं जो वो बना सकते हैं अगर वो सेट होकर खेलें और अली ऑन विकेट्स ना दें। नंबर 3 विराट कोहली आएगा क्योंकि मैंने उसको नंबर 3 पे ही रखा है, उसकी आइडल सिचुएशन है, आइडल पोजीशन है उसके लिए एज अ विराट कोहली फैन कि वो कम बैक करें और उन वो जो आउट ऑफ फॉर्म आउट ऑफ टच चल रहे हैं पिछले बहुत अच्छे से उनकी वो ख़त्म हो, फॉर्म में वापस आएँ, रन्स करें अपनी टीम के लिए और अपनी फैंस को एंटरटेन करें इस एशिया कप में। तो ये 3 है जो टॉप ऑर्डर इंडिया का, ये टॉप 3 ये मेरे लिए की प्लेयर है। उसके बाद स्पिन, दुबई में स्पिन अटैक कर सकती है और हो सकता है कि ज़्यादा स्पिन, मैंने इसलिए 3 स्पिनर्स रखे हैं क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा स्पिन पे जाए इंडिया, तो इसलिए जडेजा और एश्विन दोनों के पास एक्सपीरियंस है वहाँ खेलने का भी, तो वो मुश्किल डाल सकते हैं मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को, तो ये भी की प्लेयर हो सकते हैं एज ए इंडियन साइड अगर मैं सोचूँ। और उसके बाद फास्ट बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, अली ऑन जिस तरह वो इन स्विंग आउट स्विंग है उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो वो यूटिलाइज कर सकता है, वैसा बॉलर है जिससे फ़ायदा होगा इंडिया को और रोहित को अली ऑन, तो उससे भी संभल के खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को और वो इंडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और एक अच्छा बॉलर है। तो ये ओवरऑल मेरी पाकिस्तान और इंडिया की लाइनअप्स थी और मेरे की प्लेयर्स थे। अब चलते हैं, देखते हैं कि हारून साहब ने क्या लाइनअप्स और क्या टीम्स बनाई है, आइए। ओके, तो ये दोनों लाइनअप आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए सोहेल भाई की टीम से, थोड़ा 2-4 ही चेंजेस हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो की प्लेयर्स होंगे वो ऑफकोर्स बाबर आजम जो कि टॉप स्कोरर और सब कुछ जानते हैं सारे,
बाबर आजम, रिजवान, मेरे ख्याल से आसिफ अली, खुशदिल शाह मैंने डाला है क्योंकि पावर हिटिंग काफ़ी चाहिए इन द एंड ओवर्स, तो आसिफ अली और खुशदिल शाह उन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। तो ऑफकोर्स इन बॉलिंग में शादाब खान, शाहनवाज दहानी मैंने रखे क्योंकि उनके PSL कैंपेन बहुत अच्छी गई थी, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छे साबित होंगे शाहिन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी। तो पाकिस्तान के की प्लेयर्स मेरे हिसाब से ये सब हैं। इफ्तिखार, फ़खर, मैं श्योर नहीं हूँ उनके बारे में। इंडिया की अगर बात की जाए तो मैंने दीपक हुडा डाले हैं जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से काफ़ी अच्छा खेले हैं IPL में। उसके अलावा ऑफकोर्स रोहित शर्मा और KL राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप सब जानते हैं। विराट कोहली की फॉर्म काफ़ी डाउन रही है तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या हैं और कैसा वो परफॉर्म करेंगे एशिया कप में, आई होप अच्छा करें। बॉलिंग में युजवेंद्र चहल पे बाबर, जिस तरह के लास्ट एशिया कप में भी काफ़ी तंग किया था कुलदीप यादव और यूजी चहल ने। तो उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग ओवर्स में काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव रहते हैं बैट्समैन के लिए, तो यही मेरे ख्याल से इंडिया 11 में काफ़ी की प्लेयर्स होंगे। प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान विल विन, मेरा दिल भी यही कहता है और दिमाग भी यही कहता है क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत बुरी हुई थी जब मैंने इंडिया कहा था, तो दफ़ा पाकिस्तान, आई होप जीते। बैक ओवर टू सभी। सो ये तो थी मेरी और अरुण की लाइनअप्स जो कि हमारे हिसाब से खेलेंगी। अब आप लोग बताइए कि हमारी लाइनअप्स आपको कैसी लगी, स्ट्रॉन्ग लगी, वीक लगी, और आपका क्या ओपिनियन है, और आपके हिसाब से यही टीम्स होनी चाहिए या अगर आपकी कोई और टीम्स हैं, कोई और प्लेयर्स हैं तो वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। जाते जाते मैं अपनी प्रेडिक्शन अगर बताऊँ तो मेरे हिसाब से जब मैच शुरू होगा तो दोनों टीमें 50% पे होंगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन राइट नाउ पाकिस्तान है। आई होप और आई एम श्योर कि पाकिस्तान अभी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंडिया से, तो हो सकता है आई एम श्योर कि इंडिया को टफ टाइम देगी और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ओके, इन सब के अलावा एक जरूरी बात और कि मैंने और अरुण ने, अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं स्पेशली PSL वाली, तो हम फॉरफिट्स करते हैं कि हारने वाली टीम का जो प्लेयर है वो कुछ करेगा, तो हम दोनों जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर इंडिया जीत गया है इस मैच में तो हम क्या करेंगे। हमने इंस्टा स्टोरीज भी डाली हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी, और इंस्टा स्टोरीज पे भी हमने यही पूछा था कि इन सब के बाद हम क्या करेंगे फोर्थ फेज पे, तो वो दरअसल ये है कि हम मैच पे एक व्लॉग बनाएंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच पे व्लॉग, जो मेरे चैनल पे भी आएगा और हारून के चैनल पे भी, जिसके लिए आप हर फर प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम दोनों को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो करें, करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमने इंस्टा स्टोरीज लगाई थी फोर फिट्स के लिए, और वो हम यही करेंगे कि जो अच्छे आइडियाज़ होंगे उनको कंसीडर करेंगे, फिर सोचेंगे कि हमने फाइनल क्या रखना है फोर फिट्स के लिए, वो इंशाल्लाह आप सारा कुछ देखेंगे हमारे ब्लॉग में जो आ रूँ और मेरे चैनल पे अलग अलग तरीके से आएगा। ये सारी बातें थी इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते अब आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ब्लॉग में, और मैच का इंतजार हम सबको है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।